हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक यादव आप सब प्यारे विद्यार्थियों का फ्री ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज ये हमारा प्रतिशत का नौवां वीडियो है। सबसे पहले आप अगर नए विद्यार्थी हैं, हमारे वीडियो को पहला सबसे पहले देख रहे हैं, तो पिछले वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने आपको प्रतिशत का कुछ मल्टीपल यूज बताया है। तो जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप धीरे धीरे नहीं समझेंगे। तो ये हम इस वीडियो में लैंग्वेज आधारित को धीरे धीरे उस स्तर पे पहुँचे हैं जहाँ आपके एग्जाम में अच्छा जो है एग्जाम में प्रश्नों को पूछता है। तो आप देखिएगा कि आज इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके हर एक मंडे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो SSC का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे UPTET हो, चाहे STED हो। आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आना फिक्स होता है जो आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि आज आप इस टाइप का क्वेश्चन समझना जान जाएंगे। लगाना कैसे है, हम आपको देखें कि हम परसेंट का जैसे जो भी वीडियो आपको बताए हैं, किसी भी वीडियो में आपको ट्रिक की बात नहीं किए हैं, हम आपको कॉन्सेप्चुअल बात किए हैं। क्योंकि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो आप उसी क्वेश्चन को जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपका वो शॉर्ट बनता जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वो क्वेश्चन है क्या कि आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि कह रहा है कि चावल का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। तो आप देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखिएगा, आज तक आप देखिए ट्रिक पे ना जाइएगा, हम आपको क्या फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो देखिएगा, कह रहा है कि चावल का मूल्य 20% बढ़ता है, तो आप सबसे पहले ये जानिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है। तो आप ये देखिएगा, तो पहले चावल का प्राइस आप निकाल लीजिए। तो प्राइस कह रहा है कि हमने आपको बताया जो नीचे का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो अर्थात कह रहा है कि प्राइस कि चावल का मूल्य पहले 5 रुपए था, अब 20% बढ़ने पर अर्थात 5 का 20% प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, 1। अर्थात पहले हमारा 5 रुपए था, अब 20% बढ़ गया तो 5 × 1 = 6 रुपए, कितना हो गया, 6 रुपए प्रति किलोग्राम चावल। और पहले कितना था, 5 रुपए प्रति किलोग्राम चावल था। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि पहले 5 रुपए प्रति किलोग्राम चावल था, तो अब कितने रुपए हो गया, 6 रुपए प्रति किलोग्राम चावल हो गया। तो आप ये देखिएगा, तो जैसे अगर कह दिया जाए कि कुल रुपया कितना था, कुल इसका निकालेंगे 5 × 6 = 30 रुपए, 30 रुपए हुआ। तो आप ये देखिएगा, ये कितना हुआ, अब यहाँ पे जो प्राइस हुआ, तो अब यहाँ निकाल लेंगे क्या, क्वांटिटी, मात्रा चावल की क्वांटिटी कितना है, तो कितना, 5 × 6 = 30, 6 किलोग्राम और 6 × 5 = 30 किलोग्राम। तो अब देखिएगा, आपको स्पष्ट हो गया होगा यहीं पे कि पहले जब 5 रुपए प्रति किलोग्राम चावल था तो वह कितना किलोग्राम चावल खरीदता था, 6 किलो चावल खरीदता था। कब, जब चावल का मूल्य 5 रुपया था तो 6 किलो खरीदता था। जब चावल का मूल्य 1 रुपया बढ़ गया अर्थात अब 6 रुपए हो गया, तो चावल का मूल्य कितना हो गया, 5 किलोग्राम। अर्थात कमी कितने रुपए कितने की हुई है, 1 किलोग्राम किस पे हुई है, 6 पे हुई है। इसको परसेंटेज में बदल देंगे तो बराबर क्या होगा, 16 / 2/3%। यही आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, चीनी की प्रतिशत कमी, यही क्या होगा, आपकी प्रतिशत कमी, यही आपका आंसर होगा। तो देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि हमने आपको यहाँ पे किसी भी ट्रिक की बात नहीं की, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया कि यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि यही पहले जो 20% बढ़ता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 5 रुपए किलोग्राम जब चावल था, 5 रुपए प्रति किलोग्राम चावल था,
वो कितने किलोग्राम चावल खरीदता था, 6 किलोग्राम। जब उसका 20% बढ़ गया तो 5 का 20% कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 रुपए बढ़ गया अर्थात कितने रुपए हो गए, 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो अब कितने किलोग्राम चावल खरीदता है, 5 किलोग्राम चावल खरीदता है। तो अब यहाँ देखिएगा क्वांटिटी में कितने की कमी हुई है, 1 किलोग्राम की कमी हुई है। किस पे हुई है, 6 पे हुई है। हमने परसेंटेज वैल्यू निकाल लिया तो यही क्या हो गई, हो गया। और चावल का यहाँ देखिएगा, चीनी नहीं चावल है, ये हो गया क्या, चावल का प्रतिशत कमी। तो अब देखिएगा, ये तो हमने आपको क्या बताया, फ्रैक्शन मेथड बताया, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको वही तरीका बताएंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिएगा, ये आपके लिए तो बेहतर है ही, लेकिन इससे बेहतर और है कि आप देखिएगा, समझिएगा। देखिए, हमारा काम है एक क्वेश्चन को कई तरीकों से बताना, लेकिन आपका प्रयास ये होना चाहिए कि दोनों पहले हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, उस कॉन्सेप्ट में आपको जो सबसे बेहतर लगे उसी का आप यूज कर लीजिए। तो आप देखिएगा कि यहाँ दिया क्या, कि आप ऐसे ही समझिए कि 20% क्या होता है, चावल में बढ़ोतरी होती है। तो अर्थात पहले जो है चावल की मात्रा जो है, चावल का मूल्य कितना था, हम मान लेते हैं 100 रुपए था। क्या था, 100 रुपए था, कीमत क्या था, 100 रुपए। 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो अब कितने की हो गई, 120 रुपए की। तो आप देखिएगा, जब कह रहा है कि स्थिर ही रहे खर्च में कितनी बढ़ोतरी कर दें, कि बढ़ोतरी अगर जब इसका हो जाता तो कह रहा है खर्च में कितनी कमी कर दें कि जो है कि उसका जो है कि उसके मूल्य में उसके ऊपर कोई भार ना पड़े। तो आप देखिएगा, अगर यहाँ 20% अगर वृद्धि करता है तो यहाँ कितने परसेंट की कमी हो रही है, माइनस 20 की कमी भी हो रही है। तो 20 की कमी किस पे हो रही है, 120 पे, बटे 120 गुणे 100। अब 0 0 तो बराबर क्या हुआ, और इसका भी मान आएगा 16 सही 2/3% की कमी होगी। अब आप चाहे इस तरीके से लगाइए, चाहे इस तरीके से लगाइए, हम आपको धीरे धीरे इन चीजों को क्वेश्चन के माध्यम से और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ठीक इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 20% घट जाती है, गेहूं की कीमत 20% घट जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो उसका खर्च ना बढ़े। तो अब देखिएगा क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि आप सीधे देखिएगा, पहले हम फ्रैक्शन मेथड से देखेंगे। तो पहले देखिएगा 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। तो अब जो हमारा जो हर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जब 20% घट जाती है तो जब 20% घटने के पहले का जो वैल्यू था, जो वैल्यू था वो क्या था, 5 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं था। तो अर्थात पहले 5 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं था, अब वो 20% घट जाता है तो 5% का 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। तो जब घट जाता है तो इसमें से 1 घट गया। तो अब देखिएगा प्राइस इसका क्या होगा, कि आप यही देखिएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे। तो प्राइस क्या होगा, पहले 5 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं था तो अब जो है कि 1 रुपए घट जाता है तो अब कितना हो गया, 4 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं हो गया। तो आप देखिएगा 5 20 रुपए टोटल हुआ, कितने रुपए हुआ, 20 रुपए टोटल। उसके पास कितने रुपए था, 20 रुपए था। तो 20 रुपए में 5 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं पहले खरीदता था और 20% की कमी होने पर अब गेहूं का मूल्य कितने हो गया, 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो अब कह रहा है कि प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो उसके खर्च में कोई खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो अब देखिएगा, अब यहाँ 5 20 4 रुपए, अब यहाँ देखिएगा जो क्वांटिटी यहाँ 4 रुपए नहीं, अब यहाँ पे जो गेहूं की मात्रा क्वांटिटी बराबर क्या होगा, 5 20 4 किलोग्राम। अब पहले अर्थात जब गेहूं का दाम
गेहूं का मूल्य 5 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो वो कितना गेहूं खरीदता था? 4 किलोग्राम खरीदता था। अब जो है कि 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, 20% घट जाता है, तो अब कितने कितना हो गया? 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो अब गेहूं कितना खरीदेगा? 4 × 5 = 20, 5 किलोग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो गई। कितने की हो गई? 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। कितने पे हुआ? 4 पे हुआ। अब इसको परसेंट में बदल लेंगे, अर्थात प्रतिशत वृद्धि कितना आ गया? 25%। कितना आ गया? 25%। देखिए तरीका कितना आसान है। अब इसी को चाहे तो आप लगाइए कैसे दूसरे तरीके से, कि आप क्या मान लेंगे, मान लीजिए पहले जो है कि 100 रुपए में 100 रुपया था, कितना था? 100 रुपया था, उस 100 रुपए कीमत थी। तो अब कीमत में जो है कि 20% की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो अब जो है कि कितना हो गया, उसकी कीमत कितने रुपए हो गई? 80 रुपए हो गई। तो अब देखिएगा बढ़ोतरी कितने का होता है? प्लस 20 का होता है। तो 20 का बढ़ोतरी किस पे होता है? 80 पे होता है। काट लीजिए 20 चौक 80 25, बराबर कितना हो गया? 25%। आपको जो भी तरीका सही लगे आप उसी तरीके से लगाएंगे। तो अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लैंग्वेज आधारित पे बढ़ते हैं, कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप तक हम जाने का प्रयास करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा परिवर्तन है, थोड़ा घुमा के दिया है, देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या। देखिएगा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% घट जाता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी आ जाए। तो देखिएगा थोड़ा सा परिवर्तन यही है कि जो यहाँ पे कमी दे दिया है, कितना दे दिया है? 10%। पहले 30% था क्या मूल्य में, लेकिन अब उसका खर्च में भी 10% की कमी दे रहा है। तो आप यहाँ सीधे देखिएगा कि सीधे ये मानिएगा, पहले मान लीजिए उसकी खर्च उसका कुल जो है कि कीमत कितना था? 100 रुपए था। कितना था? 100 रुपए था। तो अब यहाँ 30% घट जाता है, कितना घटता है? 30% घटता है। तो अब यहाँ कितना बच गया? 30% घटा तो यहाँ कितना हुआ? 70%। कितना हुआ? 70%। लेकिन अब फिर यहाँ देखिएगा थोड़ा सा परिवर्तन जो दिया है वो क्या दिया समझेंगे। कह रहा है कि 10% की कमी हो जाती है, किसकी? उसके खर्च में ही। तो उसका खर्च ये है, तो कितने की कमी हो जाती है? 10% की। तो 10% का जब कमी हो जाती है, जब यहाँ माइनस 10% हो गया तो 100 में से 10 गया, यहाँ कितना बचा? 90 ही बचा। तो आप ये देखिएगा कितने पर कितना वृद्धि हुआ? 70 20 90 हुआ। तो वृद्धि किस पे हुआ है? 70 पे हुआ है। तो अब बराबर क्या करेंगे? 20 बटे 70 गुणे 100। तो अब यहाँ पे परसेंट हो गया, अब इसको आप काट लेंगे तो क्या हुआ? 200 बटे 60%। तो इसका जो है कि आप बदलेंगे तो क्या होगा? 28 सही 4/7%। इसकी जो है कि कितने परसेंट बढ़ाया जाए तो उसकी प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? 28 सही 4/7%। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपको थोड़ा ये समझना है कि जो परसेंट कमी दिया है 10% का, तो आप कुल खर्च में जो 100 रुपए में है उसमें 10 रुपए घटाएंगे तो कितना बचा? अब उसका जो है कि जो खर्च करेगा जो उसका खर्चा है अब वो 90 रुपए ही है। तो 90 रुपया है, जब 30% की घट जाती है तो 70 ही बचा। तो अब 70 में कितना जो है वृद्धि हुआ? 20 का वृद्धि हुआ। तो 20 किस पे वृद्धि हुई? 70 पे, अर्थात ओरिजिनल वैल्यू हमारा जो 70 हुआ। तो अब हम जो परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम थोड़ा क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं कि जो आपके एग्जाम में या कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं संभावित तौर पे, हम वैसे वैसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए क्वेश्चन को ला रहे हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन क्या दिया है, कि सेम क्वेश्चन वही है, इसमें थोड़ा सा क्या दे दिया है? वास्तविक खपत आपको 280 किलोग्राम दे दिया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कि आपको देखना है कि पहले दिया है चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ता है। तो मान लीजिए पहले जो है चावल की कीमत कितनी थी? 100 रुपए थी। आपको ये मान रखना है कि पहले जो कीमत था 100 रुपया था। तो अब 20% बढ़ जाता है मूल्य में, 20
20% बढ़ जाता है, तो अब ये देखिए 20% बढ़ जाता है, तो अब चावल का मूल्य 120 रुपया हो गया, अर्थात पहले 100 रुपये था, तो अब कितना हो गया 120 रुपये हो गया। तो अब कह रहा है कि कितने किलोग्राम चावल की खपत कम होना चाहिए, तो अब देखिएगा कम होना चाहिए। अब यहाँ जब बढ़ोतरी हो रही है तो आप ये देखिएगा, अब यहाँ जब बढ़ोतरी हो रही है कितने चावल जो है कितना कम होना चाहिए, तो आप ये देखिएगा ये इससे कितना जो है, अब देखिएगा यहाँ जब बढ़ता है तो अब यहाँ क्या होगा, कमी होगा ना, अर्थात इससे किससे ये इससे ये कितना कम है, तो अर्थात इसमें कमी कितने की है, 20 की कमी है, 20। अब यहाँ पे जो कमी हुआ किस पे कमी है, इस पे कमी है, तो अब बराबर क्या होगा 20/120। लेकिन अब यहीं पे आप थोड़ा और समझिए कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कम होना चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। तो आप यहीं पे ये थोड़ा देखिएगा कि अब यहाँ पे कि देखिएगा जो 5% अर्थात उसका व्यय कुल 5% बढ़ जाता है, जब 5% बढ़ाता पहले 100 था, अब कितना हो गया 105 हो गया। तो अब देखिएगा इससे कितना कम है, 120 में से 105 घटाएंगे कितना होगा, माइनस 15 होगा। तो आप ये देखेंगे तो 15 कितना है, तो बराबर क्या होगा 15/120। तो आप इसको ले लेंगे गुणते क्या हुआ, गुणे 100, ये क्या हुआ परसेंट में हुआ। तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू आप करेंगे तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा, 12/1/2%, यही आपका क्या होगा परसेंटेज आ गया, प्रतिशत कमी। लेकिन अब यहीं पे देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन क्या दिया है, क्वेश्चन में परिवर्तन दिया है कि उसकी जब वास्तविक खपत दे दिया है, कितना दे दिया है 280 दे दिया है, तो अब हमें निकालना क्या है खपत कितना पर कितना कम होना चाहिए, खपत कितना कम होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिएगा तो वास्तविक खपत जो दिया है कितना दिया है, वास्तविक खपत दिया है 280 किलोग्राम, कितना दिया है 280 किलोग्राम। तो मेरे प्यारे मित्रों आप ऐसे ही समझिए कि जो भी परिवर्तन होगा इसी पे तो होगा, जो भी परिवर्तन होगा इसी पे होगा। तो अब हमें जब यहाँ निकालना होगा तो आप देखिएगा क्या करेंगे, वास्तविक खपत का ही अर्थात 280 का कितना होता है 12/1/2% कम हो जाता है। तो अब यहाँ देखिएगा 280 गुणे 12/1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/8, तो अब ये क्या होगा 35 किलोग्राम। अर्थात अब जो है कि किलो कितने किलोग्राम चावल की खपत होनी चाहिए, अर्थात 35 किलोग्राम चावल की खपत वह कम कर देगा तो उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक भैया, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि इसमें थोड़ा तो परिवर्तन दे, भाषा को समझिए और अपने भाषा में तोड़िए, क्वेश्चन जो जो दिया हो वैसे ही आप क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को आप देखेंगे, लगाएंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको और समझाने का प्रयास करेंगे इससे भी सरल तरीकों से। तो क्वेश्चन और है कि अब यहाँ कह क्या रहा है, देखिएगा क्वेश्चन को पहले आप खूब अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उसकी भाषा को समझिए, फिर क्वेश्चन में जो जो कहा हो है आप वैसे वैसे लगाते चले जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिएगा कैसे कि कह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। तो अब यही देखिएगा जब पहली चीज जब कमी हो रही है तो आप यहाँ पे ये देखिएगा कि पहले कुछ ना कुछ तो कीमत रहा होगा, तो हम मान लेंगे वह कीमत क्या था 100 था। तो अब कह रहा है कि 30% की कमी हो जाती है, तो अब जो है अगर 30% की कमी हो जाती है तो 100 रुपये मान लीजिए पहले कीमत था, 30 रुपया कम हो गया, तो अब कितना बचा 70 ही बचा। तो अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है,
तथा कुल खर्च में 16% कम हो जाता है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो है कि खर्च ये था 16% का मतलब 100 रुपए उसका पहले खर्च था, अब 16 रुपए अगर और खर्च कर देता है तो अब उसके पास जो 16 रुपए और खर्च करता था 16 रुपए ही खर्च करता है, तो अब उस 100 रुपए में से 16 रुपए खर्च कर देता है तो अब उसके पास कितना बचेगा, 84 रुपए बचेगा 16 रुपए खर्च करने पे। तो अब देखिएगा ये इससे कितना ज्यादा है, तो वही आपसे क्या पूछा है कि अधिक करता है तो कुल खर्च में प्रतिशत कम हो जाता है, तो वर्तमान खर्च बताइए। तो अब देखिएगा ये कितना इससे ज्यादा है, 14 ज्यादा है। तो अब देखिएगा जब 14 ज्यादा है तो आप देखिएगा आप इसको लगाएंगे कैसे, तो अब जब 14 ज्यादा है तो 14 किस पे ज्यादा है, 70 पे ही तो ज्यादा है, तो बटे 70 हुआ। तो अब क्या करेंगे, 14 × 5 = 70 तो बराबर कितना आया, 1/5, कितना आया 1/5 आया। तो अब यहीं पे देखिएगा 5 ये जो हमारा होता है वर्जिनल वैल्यू होता है, क्या होता है वर्जिनल वैल्यू होता है, तो जो ये हमारा जो नीचे का वैल्यू है, जो वर्जिनल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि उसका जो कि वर्जिनल, उसका जो ये था वो क्या था, ओरिजिनल वैल्यू है। तो अब देखिएगा ये जब ओरिजिनल वैल्यू होता है, आपको हमने जो है कि फ्रैक्शन मल्टीपल यूज में खूब अच्छी तरह से समझाया है, पिछले वीडियो को देखेंगे खूब अच्छे से समझ में आएगा। तो अब यहीं पे हमारा क्या हुआ, अब ये तो हमारा जो उस समय का वास्तविक क्या हुआ, वास्तविक जो है कि वास्तविक मूल्य हुआ, ये हमारा क्या हुआ, वास्तविक हुआ। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है, वर्तमान पूछा है, क्या पूछा है, वर्तमान पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दिया है कि 32 किलोग्राम अधिक, अर्थात 1 यूनिट बराबर 32 किलोग्राम, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, 32 × 5 क्या होगा, 32 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यहाँ पे देंगे 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 16, 160 किलोग्राम। तो 160 किलोग्राम ये हमारा वर्जिनल कंसम्पशन हुआ, वर्जिनल हुआ। तो अब पूछा क्या है, करंट पूछा है, तो करंट में आप कितना है, 32 को आप और ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 192 किलोग्राम, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम इसी क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेके आपको स्पष्ट करते हैं, वो क्वेश्चन है क्या, देखिएगा सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें भी है कि देखिएगा कह रहा है कि चावल का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। तो कह रहा है कि पहले जो चावल का मूल, चावल की कीमत थी उससे 20% चावल की कीमत बढ़ जाती है, तो जो परिवार है, परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चावल खरीदती है। तो अर्थात पहले 300 रुपए में 12 किलोग्राम से ज्यादा चावल खरीदती थी, लेकिन जब 20% की बढ़ोतरी हो गई तो 12% से कम चीनी खरीदती है। तो पूछा है ज्ञात, तो बताइए वास्तविक खपत, तो उसकी पहले की जो खपत थी उसको बताइए, फिर कह रहा है कि वर्तमान खपत बताइए जो इस समय है, अर्थात 12 किलोग्राम जब कम चीनी खरीदती है तो इस समय की खपत कितनी है उसको बताइए, कि वर्तमान मूल्य बताइए, अर्थात इस समय चावल को कितने रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को खरीदता है। तो अब देखिएगा हमको, देखिए हम क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करते हैं, हम अपने आप को, हम अपने जब हम यहाँ गणित विषय को जब हम पढ़ाने आते हैं तो मेरा थाट क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, मैं ये सब भूल जाता हूँ। इस टाइम हमको सिर्फ इतना याद रहता है कि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन में देखता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, या क्वेश्चन को बनाने वाला जो प्रवक्ता होगा वो क्वेश्चन को बनाते वक्त सोचा क्या होगा, उसकी सोच तक जाने का प्रयास हम करते हैं। जब हम उसकी सोच को पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा आसानी से लगने लगता है। देखिएगा कैसे, अब देखिएगा हम अपने माइंड को एक अच्छा जो है कि बढ़िया से लगाने का प्रयास करते हैं अपने माइंड को कंसंट्रेट करके। तो देखिएगा कह रहा है कि चावल का दाम 20% बढ़ जाता है। अब यहाँ हम किसी ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम आप
कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि आप केवल भाषा को समझिए। देखिएगा कह रहा है कि 20% बढ़ जाता है, तो अर्थात पहले कुछ ना कुछ तो मूल्य रहा होगा चीनी का, कुछ तो कुछ ना कीमत रहा होगा। तो हम मान लेंगे कि पहले का कीमत हमारा क्या था, 100 रुपए था। तो कह रहा है कि 20% बढ़ जाता है, कितने परसेंट बढ़ जाता है, 20%, अर्थात पहले 100 रुपए था, 20 रुपए बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। तो अब कह रहा है कि अब देखिए जब 20% यहाँ बढ़ता है तो यहाँ कमी भी तो होगी, अर्थात कितने की कमी हो जा रही है, 20 की कमी हो जा रही है। तो 20 की कमी किस पे हो रही है, 120 पे। तो 20/120 हुआ कि नहीं हुआ, 0.01/6 आया। अब आप यहीं पे समझिएगा, अब यहीं पे खेल आ गया फ्रैक्शन मेथड का, कि अब यहाँ देखिएगा जब इसका वैल्यू 1/6 आया फ्रैक्शन में, तो आप ये देखिएगा जो नीचे का वैल्यू होता है ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू हुआ, ओरिजिनल वैल्यू हुआ। तो अर्थात ओरिजिनल वैल्यू ही हमारा क्या होता है, वास्तविक खपत होता है, क्या होता है, वास्तविक खपत होता है। आप यही समझिएगा, जो हमारा जो हर होता है वो किसी चीज का ओरिजिनल वैल्यू होता है, वास्तविक मान होता है। तो यही अब हमारा खपत की बात किया, तो यही हमारा क्या हो गया, वास्तविक खपत हो गया। तो अब यही देखिएगा, अच्छा 20% बढ़ जाता है, इसका रिजल्ट 20% बढ़ जाता है, तो अर्थात अब यहाँ दिया क्या है, 300 रुपए। अब देखिएगा 12 किलोग्राम चीनी खरीदता है, क्या कम खरीदता है, अर्थात एक यूनिट बराबर कितना दिया है, 12 किलोग्राम। तो 6 यूनिट बराबर क्या होगा, 12 × 6, अर्थात बरछन 72 किलोग्राम, क्या हुआ 72 किलोग्राम। अर्थात अब यहाँ निकला हमारा क्या, वास्तविक खपत कितना हुआ, 72 किलोग्राम। जो 72 किलोग्राम हुआ ये वास्तविक खपत हुआ। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता, वास्तविक मूल्य अगर पूछ लेता तो कैसे करते, वास्तविक मूल्य आपसे पूछ लेता तो वास्तविक मूल्य क्या करते, कि 72 किलोग्राम दिया है, तो आप क्या करते, वास्तविक मूल्य पूछ लेते, तो कुल मूल्य 300 रुपए दिया था। अगर 300 में अगर हम 72 का भाग दे देते तो वास्तविक मूल्य आ जाता, तो कितना आ जाता, 72 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 सही 1/6 रुपया प्रति किलोग्राम, ये हुआ वास्तविक मूल्य। अब तीसरा पूछा है वर्तमान खपत बताइए। अब यहीं पे आप समझिएगा कि देखिएगा वर्तमान खपत क्या निकालना है, तीसरे नंबर पे वर्तमान खपत। अब मेरे प्यारे मित्रों आप ये बताइए कि वास्तविक मूल्य 72 किलोग्राम पहले था, अब 12 किलोग्राम चीनी और कम कर देता है, तो ये 72 में से तो ही कम करेगा, 72 - 12, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 1 गए 6, 60 किलोग्राम हुआ। अब जो है कि वर्तमान खपत 60 किलोग्राम हो गया, कब, जब 12 किलोग्राम चीनी वो कम खरीदता है 300 रुपए में 20% की बढ़ोतरी पर। तो अब देखिएगा 60 किलोग्राम, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, यही देखिएगा वर्तमान मूल्य क्या होगा, अब इसमें भी किससे भाग कर देंगे, 60, अर्थात यहाँ पे देखिएगा 300/60 से भाग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रुपया प्रति किलोग्राम, 0.056, अर्थात 5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, हमने किया क्या, केवल यहाँ पे भाषा का ही खेल था, हमने भाषा को समझा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात जो क्वेश्चन कहना चाहता था वैसे वैसे हम करते गए। हमारा आंसर आपके हमारे सामने है, जो आपके समक्ष दिख रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि आप 1, 2, 3 क्वेश्चन अपने माध्यम से या बुक के माध्यम से लेंगे, उसको लगाने का प्रयास करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिएगा, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिएगा ये जो क्वेश्चन दिया है, हम इसको दो तरीके से भी लगा सकते हैं, एक तो हमारा लॉन्ग मेथड है, और दूसरा हम इसको में इस ऐसे क्वेश्चन आए तो हम ऐसे क्वेश्चन को विकल्प में भी देख के, हमें विकल्प देख कर भी लगा सकते हैं। कि देखिएगा पहले हम लॉन्ग मेथड से ही समझते हैं।
अब यहाँ पे जैसे मान लेंगे क्या कि लॉन्ग मेथड से अब यहाँ का क्या रहा, चावल के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब चावल के दाम में कमी हो गई तो वह व्यक्ति 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। 16 रुपए में अर्थात चावल का दाम जो एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक क्या खरीदता है, चावल अधिक खरीदता है, क्या खरीदता है, अधिक खरीदता है। तो आप यहीं पे देखिएगा, अब हम यहां मान लेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस, क्या मान लेंगे, जो ओरिजिनल वास्तविक मूल्य था, लेट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या मान लेंगे, एक्स, क्या मान लेंगे, एक्स अर्थात जो वास्तविक मूल्य है हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो कह रहा है कि दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हो जाए तो अर्थात जो न्यू प्राइस होगा क्या होगा, जो न्यू प्राइस होगा, न्यू प्राइस क्या होगा, 2 रुपए की कमी अर्थात इसमें कमी, एक्स माइनस 2 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि आप ये देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि खरीदता है तो वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हमें यही मूल्य बताना है। तो आप ये बताइए कि जब चावल का दाम, जब चावल का प्राइस एक्स माइनस 2 प्रति किलोग्राम है, तो अब देखिएगा, तो अब यहाँ जब इतना है तो चावल कितना खरीदता है, अर्थात टोटल जो पैसा था उसके पास कितना है, 16 रुपए है ना भैया, तो अर्थात 16 ही तो रुपए है, तो यहाँ दिया 16 रुपए में ही 4 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। तो पहले जब 16 रुपए में तो कितना न्यू प्राइस में लेता है, एक्स माइनस 2 लेता है। तो अब यहाँ पे जो कह रहा है कि अब देखिएगा 16 में, तो अब कह रहा है कि फिर यही 16 में जो है कि कितना है, एक्स का ही तो प्राइस होगा, तो कह रहा है कि कितना जो है कि अधिक खरीदता है, 4 किलोग्राम अर्थात इससे, अर्थात अब देखिएगा इससे ये अधिक खरीदता है, तो कितना अधिक खरीदता है, 4 किलोग्राम। आया कि नहीं आया आपको समझ में भैया, देखिएगा क्वेश्चन जो कहना चाहता है आप उसी को समझिए, जब तक क्वेश्चन को थॉट को नहीं समझेंगे तब आपके जो है ऊपर ऊपर क्वेश्चन भागेगा, आप अपने अंडर में ही क्वेश्चन को लीजिए। देखिए क्या कि कह रहा है कि दाम में 2 रुपए की कमी हो जाती है, तो हमने ओरिजिनल प्राइस एक्स मान लिया, तो अब न्यू प्राइस जब इसमें से 2 रुपए कम हो जाता है तो ये न्यू प्राइस हो गया। तो कह रहा है कि 16 रुपए में ही अर्थात कुल उसके पास कितने रुपए हैं, 16 रुपए में ही है, तो अर्थात जब 16 रुपए में, 16 रुपए में ही तो न्यू प्राइस कितना हुआ, एक्स माइनस 2 इससे भाग कर दिए। अब जो हमारा जो है कि कह रहा है कि ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एक्स है, एक्स है, तो कह रहा है कि इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है, अर्थात न्यू प्राइस से कितना अधिक खरीदता है, 4 खरीदता है, तो बराबर 4 इससे अर्थात इसी में से इसको घटा देंगे। तो आप यहां देखिएगा, अब इसको देखिएगा, जब इतना आपका आ जाए तो आपको देखिएगा ऑप्शन में, मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिया रहेगा ए, ऑप्शन ए में 4 दिया रहेगा, बी में 3 दिया रहेगा, सी में 2 दिया रहेगा, डी में क्या दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा। तो आप देखिएगा, अब इतना आपको हल करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको हल करिए समीकरण को, तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट देखिए ऑप्शन में जो दिया होगा, ऑप्शन में हम पहला क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, एक्स के स्थान पर हम क्या रख लेंगे, 4, तो 16/4 माइनस 2, तो अब यहाँ देखिएगा 4 में से 2 गए 2, 2 8 16, 8 माइनस, अब यहाँ फिर देखिएगा 16/ एक्स के स्थान पे 4, तो 4 4 16, तो 8 में से 4 गए 4, अर्थात 4 बराबर 4, तो दोनों पक्ष बराबर आ जाए, जब दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष आ जाए जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो अर्थात हम एक्स की वैल्यू हमारी कितना आ गई, 4, तो अर्थात चावल का मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना हो गया, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। तो आपको इतना जो है सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में
एक्स का वैल्यू जो रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाए वही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये आज हमारा परसेंटेज का 9वां वीडियो रहा है, कल मेरा 10वां वीडियो और परसेंटेज का लास्ट वीडियो होगा। हमने जितने टाइप के प्रतिशत के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके क्वेश्चन में उतने टाइप के क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। अब जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइप में दो टाइप के और बचे हैं जो हम अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, और आपसे कल हम थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण बात मैथ की बताएंगे, आप कैसे तैयारी करना है गणित विषय का, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को अगर आपको देख रहे हैं, आपको अगर लगे कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने उन मित्रों के पास शेयर करिए जिनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो और वो अपनी सफलता को पाने के लिए ये वीडियो उनके लिए टॉनिक का काम करेगा। मैं आपको कब विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि गणित विषय का एक भी प्रश्न नहीं छूटने पाएगा। आप केवल अपना जो है कि 5 से 6 मंथ हमें दे दीजिए, हम 6 मंथ के अंदर ही गणित विषय का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा। बस केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम आपको प्रतिशत के लास्ट टॉपिक पे कल मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।